चाहे जलसा हो या रैली, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस देश का रखवाला हूँ, मैं खाकी वर्दी वाला हूँ, मैं इस देश का रखवाला हूँ। किशनगंज पुलिस के लिए आज बड़ा दिन है। दरअसल जिले के 1.5 दर्जन पुलिस कर्मियों को सेवा का सम्मान मिला है। ऐसे सभी पुलिस कर्मियों को ASI, SI और इंस्पेक्टर रैंक में प्रमोशन मिली है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने दशहरा और दिवाली से पहले सौगात दी है। लिहाज से पुलिस महकमे में उत्साह का माहौल है। बिहार पुलिस ने किशनगंज के जिन ASI को SI में प्रमोशन दी है, उनमें नवीन कुमार, चितरंजन प्रसाद यादव, कुंदन कुमार, सरोज कुमार, कुंदन कुमार चौधरी, अजीत कुमार, आरिज अहकाम, सुनील कुमार, संजीव कुमार, वेदानंद सिंह, राकेश प्रसाद, संजय कुमार राम, संजय यादव, इकबाल अहमद खां, सुमन कुमार सिंह और नंद किशोर साहनी शामिल हैं। इन पुलिस कर्मियों का पब्लिक में भी काफ़ी पैठ है, जो मानवता के साथ पब्लिक की सेवा करने के मामले में जाने जाते हैं। उनके कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रशिक्षण पुलिस उपाधीक्षक, सभी निरीक्षक, सभी SHO, सभी मीडिया व अन्य सभी पुलिस पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से स्वागत। किशनगंज के खगड़ा में सम्राट अशोक भवन में पीपिंग सेरेमनी आयोजित कर सभी नए पुलिस इंस्पेक्टरों को स्टार बैच लगाकर सौगात दी गई है। इस मौके पर पूर्णिया रेंज के IG सुरेश प्रसाद चौधरी और SP डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू ने सभी पुलिस इंस्पेक्टरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में DSP APS चौहान, गौतम कुमार और राजन कुमार भी मौजूद रहे। हम सब लोगों को पदोन्नति दी जा रही है और उसमें अपने कॉन्स्टेबल से ASI सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में प्रमोशन हुआ है और अभी एक और बाकी है इंस्पेक्टर से DA जो प्रोसेस में है, वो तो गजेटेड पोस्ट है। ये गृह विभाग से उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ दिनों में। कुछ इंस्पेक्टर से भी DSP बनना है, तो एक अच्छा सा एक पहल है जिसमें पदोन्नति के माध्यम से क्या है कि हम लोग को अच्छे अनुसंधानक मिल रहे हैं, प्रोवाइजिंग और थ्रीडी कुछ हमको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो अब आने वाले दिनों में हमारे अनुसंधान की क्वालिटी और लंबित केसेस का डिस्पोजल प्रॉपर हो पाए। सर रैंक के साथ बोला जाए रैंक के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी है। स्वाभाविक है, चुनौतियाँ तो पुलिस का हमेशा रहते हैं, लेकिन रैंक के साथ चुनौतियाँ बढ़ती है, वो आत्मबोध की चीज़ है। वो हमको लगता है कि जिस तरह से हमारे पुलिस पर अधिकारी हैं, नए चुनौतियों का बाखूबी सामना करते हैं। सर पूर्णिया में इतना मतलब पुलिस गश्ती होने के बाद भी अपराधी घटना बढ़ रही है लगातार। अपराधी घटना अगर घटती है तो उसको प्रॉपर हम लोगों ने डिटेक्शन भी किया है, सारा प्रिवेंशन दिया जा रहा है, जो भी कॉलिंग है प्रिवेंशन में 107 है, सब सारी कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी कुछ घटना घटती है तो उसका प्रॉपर डिटेक्शन हो रहा है और डिटेक्शन के साथ साथ हम लोग ट्रायल भी करा रहे हैं ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो।